नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। कॉलिंग स्कैम के बारे में तो सबने सुना ही होगा, कहीं आप भी इसका शिकार ना हो जाएं, इसलिए हम आपको कुछ टिप्स देने जा रहे हैं। इसकी मदद से आप किसी धोखाधड़ी का शिकार होने से भी बचेंगे और अपना बचाव भी कर पाएंगे। अगर इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले स्कैम के बारे में आपको जान लेना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इसे कैसे स्कैमर्स अंजाम देते हैं। स्कीम के बारे में बात करें तो इसे करने के अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। एक तरीका है कि स्कैमर्स सीधा कॉल करते हैं और आपसे बैंक अकाउंट की जानकारी मांगते हैं। दरअसल कई यूजर्स को लॉटरी लगने का भी लालच दिया जाता है और पैसों को बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसके बदले बैंक से संबंधित जानकारी मांग ली जाती है। हालांकि ये जानकारी पैसे गायब करने के नाम पर ली जाती है। इसका एक सिंपल सा तरीका है, जैसे ही आपके पास कोई कॉल आए तो आप उसे इग्नोर करें। लगातार कॉल आने की स्थिति में आप तुरंत नंबर ब्लॉक कर दें। ऐसे कई यूजर्स के साथ हो चुका है कि उनके बैंक की डिटेल को चोरी करके आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है। इसलिए आपको कभी भी फोन पर बैंक की डिटेल शेयर नहीं करनी होती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ ऐसी धोखाधड़ी के मामले ज़्यादा देखे गए हैं। उनके बैंक अकाउंट की बहुत सारी जानकारी निकाल ली जाती है। दरअसल स्टूडेंट्स को नौकरी और पैसे देने का एक लालच भी दिया जाता है। इस जाल में फंसकर स्टूडेंट्स बहुत सारी जानकारी शेयर कर देते हैं। इसका नुकसान भी उन्हें भुगतना पड़ता है और आर्थिक घाटा होता है। खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।